सबसे पहले बात ये है कि तुम्हारे भाई की बहुत ज्यादा फट रही है, क्योंकि भाई आज हम आए हैं द लीला होटल में और ये 5-स्टार होटल है और तुम्हें पता है कि मैं महंगी जगह पे जाने से कितना डरता हूँ, इसलिए भाई बाथरूम में आके ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। पर अब तक हमने एक भी टेक नहीं लिया क्योंकि भाई हमारा सफ़र कार के अंदर था, बहुत लंबा, 1 घंटा लगा हमें आने में, तो वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन बहुत ज़्यादा फट रही है, तुम्हें दिख रहा होगा मैं कितना नर्वस हूँ। अगर कोई यहाँ से आ जाए तो मैं फ़ोन नीचे कर दूँ। तो अभी नीचे एमा है तो मैं बाहर चलता हूँ और थोड़ी हिम्मत करके आपको मस्त मस्त चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलो भाई साहब, मैं सीढ़ियों से ऊपर आया यहाँ से, ठीक है। एक तो इतना दूर था, उसके बाद मैं इसमें घुसा, ये वॉशरूम नहीं था, उसके बाद मैंने ये खोला, ये भी नहीं था, ये था, सिर्फ एम बना हुआ है भाई, बाकी का कौन लिखेगा। और अभी इतना दूर है हमारा इवेंट, मैं तो बताने भूल गया, हम इवेंट पे आए थे तो यहाँ के लोग भी भाई इंग्लिश में बात कर रहे हैं फुल, तो मुझे कुछ शर्म आ रही है ब्लॉगिंग करने में। लेकिन चलो, मस्त नज़ारा बहुत सही है। तो एक बार मेरे सामने का नज़ारा चेक करो, कितना ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। बस देखो, ब्लर हट जाओ। और इसके आगे तो और भी ज़्यादा, और बहुत सारे लोग भी आए हैं जो मेरे दोस्त हैं। तो भाई मेरे को एक बहुत ही मस्त क्रिएटर दिखा है, मैं अभी आपको मिलवाता हूँ उससे, ठीक है। एक्सक्यूज मी, हे ब्रो, बढ़िया। आपको हिंदी आती है? पूरी पूरी आती है भाई। आप कहाँ से वैसे? मैं नाइजीरिया से हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे बेसिकली चासा से यूपी में रह रहा था। अच्छा, लखनऊ। आप गुड़गांव से? सही है यार, मैंने आपकी वीडियो देखी है, तो मस्त लगती है। थैंक यू। ओके, मिलते हैं फिर। ओके भाई, सही लगता है ये क्रिएटर तो मेरे को, बात करके आ गया। वैसे अब पता नहीं वीडियो में दिखा नहीं दिखा उनको। मैंने उसको पूछा कि भाई आपको हिंदी आती है, मेरे को पूरी पूरी हिंदी आती है। तो भाई ऐसे और भी बहुत सारे क्रिएटर आ रखे हैं यहाँ पे, तो मजा बहुत आने वाला है आज। यहाँ पे मीटिंग चल रही है बहुत गंदी, देखो। और ये लड़की ड्राइंग बना रही है, देखो क्या दिख भी नहीं रहा क्या। मीटिंग की बेइज्जती कर रहे हैं भाई। यहाँ पे खाना चालू हो चुका है और सारी एकदम हराम से तोड़े जा रहे हैं। और मैंने देखो फ्री में ये लिया है मिठाई, बाकी ये 2 प्लेटें इसने खाई है। भाई यहाँ की लोकेशंस तो थोड़ी अच्छी अच्छी है, जैसे कि ये रॉकेट घर जाने के लिए, ये पता नहीं क्या है, और भी चीज़ें थी, झूमर भी। एक तो समझ नहीं आता इतने अच्छी जगह आके कि हम बोले क्या, घर चल रहे हैं घर। तो भाई सब लोग बाहर आ चुके हैं, सबकी गाड़ी आ रही है महंगी महंगी। भाई एक ना एक दिन तो आएगा ही जब हम भी अपनी गाड़ी में जाएंगे, आज भले स्कूटी ओला में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदार ही बैठी हुई है, चल रहे हैं अभी। तो निकल के रहा भाई, ये डायरी निकली है। ये डायरी है? हाँ, मुझे लगा चॉकलेट है इसमें। नहीं भाई, इसमें आपको अपनी बंदी के लिए लव लेटर लिखना है। ओ शिट, आपकी बंदी नहीं है। तो हम लोग अब घर पहुंच चुके हैं और मेरे एक चीज समझ नहीं आया, क्योंकि जैसे हमारा दोस्त वो चला गया, उसके बाद एमा भी शांत बैठ गई, मैं भी शांत बैठ गया। शायद वो मेरे से किसी बात से नाराज है या मैं उससे नाराज हूँ, लेकिन मैं तो नाराज नहीं हूँ, वही नाराज होगी। बस हुआ ये सीन था कि वो गया बंदा, वो भी बैठी रही, मैं ही बैठा रहा, ना उसने कुछ बोला ना मैंने कुछ बोला, और पूरे 1 घंटे में से चुपचाप बैठ के आ गए। मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कुछ बोलती है कि नहीं बोलती। क्या करा? ये जो चोट का निशान दिख रहा है, ये कैसे हुआ? वजह सामने। मैं? हाँ। मैंने मारा तेरे को? मैं तुमसे खिलस गई हूँ। वो तो मैं भी खिलसता रहता हूँ। मैंने तो गुस्सा निकाल देते हो ना, धक्का मार के वगैरह सब करके निकाल देते हो ना गुस्सा। मैंने निकाल पाते, मैं कहाँ निकालूँ। मैंने ऐसा क्या करा था? करा कुछ नहीं है तुमने। तो गुस्सा किस बात का? नहीं बताऊंगा, बताते भी नहीं ठीक होगा। मैं भी फिर यही करूंगा। तुम करते हो, तुम चीजें खराब करते हो। लड़ना है पहले बोलो, लड़ना है तो ही बोलूंगी, नहीं लड़ना तो नहीं बोलूंगी।
नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना ना, अच्छे से बात करोगे ना तो देखो लड़ेंगे तो तरीके से लड़ेंगे, वरना तो नहीं लड़ेंगे। ये क्या बात होती है, मैं वही कह रही हूँ ना, अगर लड़ना है तो तरीके से लड़के एकदम से निकलते यहाँ से। तुम मुझे धक्का मारना, मैं तुमको उल्टा बोलूंगी, तुम मेरे को उल्टा बोलना, गुस्सा होकर रोके चले जाऊंगी, या तो शांति से प्यार से बात करके वीडियो बना लेते। तुझे पता तो क्या बोल रही है उसे? मेरा वही तो पूछा ना, अगर लड़ना है तो तरीके से लड़ते हैं। क्या चाहते तो साफ साफ बता देना, साफ साफ बता दे। मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? हमेशा बोलते आ रही थी आती हूँ ना कि मैं तुमसे चाहूंगी क्या? नहीं मतलब कि ये लड़ने की क्या वजह है, उस पे क्या चाहती? मैंने लड़ाई कब करी? अभी तो तू बोल रही है ना, ये ब्लॉग लड़ाई के ऊपर बन जाएगी। ठीक है ना, यही इसी ब्लॉग में बता देंगे कि हम अलग कैसे हुए। तुम्हारे घर वालों को भी बोल दिया मेरा, आंटी लोग भले मेरे को मजाक में ले रहे थे, बट मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ हूँ, मैं नहीं चाहती इतना बड़ा प्रॉब्लम। हाँ एक लड़की कम होती है किसी के लिए, बोलो ना। अगर तेरे को कोई बात बोलनी है तो तू डायरेक्ट बोल सकती है मेरे को। तुम कभी बोलते हो डायरेक्ट? वो मेरे ऊपर छोड़ना, मैं किस तरीके से बोलूं? तुमसे डायरेक्ट बोल के भी तुम 10 वजह बताते हो, और मैं 10 वजह के भी सवाल पूछूंगी तुम फिर कहीं ना कहीं घूम फिर कर फिर मेरे पे आ जाते हो, जबकि बात चलती है तुम पे। तो मेरे को डायरेक्ट बोलना, तेरे को डायरेक्ट जवाब देता हूँ। नहीं देते हो ना, क्योंकि मैंने कितने बार पूछा है। नहीं ट्राई करके क्या देखना, नहीं देखना वो तुमसे, अभी ट्राई करके देखना। अरे यार नहीं करना, एक दूसरे के लाइक होते तो ढंग से रहते, एक दूसरे के साथ रह रहे एक दूसरे से चिढ़ते है कि नहीं? मैं तेरे से चिढ़ता नहीं हूँ, बस जो चीज़ें तू करती है ना वो मेरे लाइक की नहीं होती है ना, वही तो। चिड़न अलग कहते, चिड़न उसे कहते हैं कि मैं तेरे जैसा नहीं बन पा रहा इसलिए मैं तेरे से चिढ़ रहा हूँ, मैं तेरे से किलसता हूँ कि तू वो चीज़ें करती है जो मेरे को पसंद नहीं होती। ऐसे तो मैं पूरी बेकार लगती हूँ तुम्हें तो, फिर भी एक्सेप्ट करता हूँ सोच। नहीं करते तुम, ड्रामा करते हो और कुछ नहीं आता तुम्हें। सच्चाई पता चल गया तुझे, अभी तुम्हें क्या कहते, तेरे को मेरी ज़रूरत नहीं है। मेरी फीलिंग्स आ जाती है ज़्यादातर, वरना तो मुझे कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करना है तेरे को? चली जाऊंगी बिना बोले। नहीं बोल के जाना ताकि तेरे जाने का गम भी सह सके। जाऊंगी इतनी जल्दी नहीं। नहीं ऐसे नहीं जाऊंगी मैं तो, कैसे बर्बाद कर दे। बर्बाद क्या ही करना तुमको, मेरे को क्या मिलेगा? तो क्या तू तो कह रही है ऐसे नहीं जाऊंगी? जाऊंगी उस दिन जाऊंगी जिस दिन तुम ज्यादा खुश हो। तो मैं आज खुश हो जाता हूँ। मैं चाहती भी नहीं हूँ यार कि भाई मैं तुम्हारे साथ रह रहे के ऊट पटांग हरकतें करूँ तुम्हारे पीछे हो। मेरे को कभी कभी खुद में वो होता है कि तुम्हारी वजह से मैल वैल चिपक जाती है मेरी तरफ। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा तू? तू प्रैंक कर रही है ना? नहीं बस ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे समझ नहीं आ रहा मतलब क्या बोलना क्या चाहती करना क्या चाहती है जो तुमने। मैं पता है मैं सीधा बोलूंगी साफ सीधी बात, तो वो मेरी लाइक भी नहीं है ना तुम्हारी लाइक है, लेकिन मुझे उस चीज से हर्ट हुआ है। क्या चीज? क्या करा क्या मैंने वो तो बता। नहीं 10 बार बताऊंगी क्या मैं चीजें, तुम्हें नहीं पता क्या तुमने क्या करा? नहीं मेरे को नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता ठीक है, नहीं पता नहीं रहने देते बात अंदर ही रखते पे। मैं बोलने को मुंह पे बोल सकती हूँ, लेकिन ये बोलकर मैं अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहती ना आगे वाले से परेशानी झेलना चाहती हूँ। हम कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, मम्मी पूछ रही थी कि लड़ाई हो गई है क्या, साथ छूट गया है क्या। हाँ तो वो उनको लगा ना वैसा ऐसा ही कुछ टाइम और रहेंगे वीडियो नहीं बनाएंगे, बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बंदा उल्टा सीधा हरकतें करेगा कुछ नहीं करेगा। जब बंदे को पता होता है ना कि
कि हाँ भाई अब तो वो गई, तो बंदा खुद ही मोटिवेट होके जी लेता है। ठीक है, जब बंदे को पता ही नहीं होता कि हाँ भाई ये आएगी या जाएगी, तब बंदा उल्टी सीधी हरकतें करता है। और तुमको क्या लगता है कि मैं आऊंगी फिर जाऊंगी? अरे मेरे को क्या करना उससे, मेरे को ही नहीं चाहिए। तो लेकर क्यों आए अपने लाइफ में? ओहो I mean, वो एक तरफ से हाँ भाई, किसी को लाना या किसी वो करना वो अपने बस में थोड़ी होता है। हम मिले हमारी दोस्त वही ना, फिर वही तो चीज है ना कि कोई किसी के बस में नहीं है। आएंगे कंट्रोल करना तो वहां मिले कर, बस बढ़ गई चीज है, कोई नहीं अब कंट्रोल कर लेंगे। चलो बाय बाय, इट्स अ प्रैंक। सोच रही थी करूं लेकिन ढंग से नहीं कर पाई, इनके ऊपर प्रैंक थी लड़के ज्यादा तेज मारते लड़कियों को। अच्छा ओए ए बंगाली, फिर नोटिंग पे हट जा, मैं मारूंगा, अच्छा लगेगा तेरे को, मुंह बनना चाहिए ना। हट जा सब। वैसे भी मैंने अपने पैरों को चोट पहुंचा दी तुम्हारे कारण। मेरे कारण जाना, हट जा। एक बार चाटा खा लो फिर मैं हट जाऊंगी। मैं क्यों खाऊं? मैं लाइफ से चली जाऊंगी तुम्हारे। जा। एक और लास्ट उस गाल में, कहते ना गांधी जी एक गाल देते तो दूसरा गाल भी। तो चलो नहीं गई ना फिर देख। हाँ ठीक है, अब मैं नहीं जाने को, तुम्हारी जिंदगी तबाह करके जाऊंगी, बहुत गंदा रुला के जाऊंगी। आंटी आप भी व्लॉग देख लेना, मैं बोल रही हूँ कि आपकी जिंदगी तबाह करके जाऊंगी मैं, बहुत गंदा वाला। आखिर मेरा नाम मीना जो है, ओ सॉरी 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 सॉरी, इस दुनिया में सिर्फ एक बंदा है जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता वो हो तुम, वो मैं खुद हूँ, वो तुम, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम। नहीं मानने को, चलो ठीक है। So guys, thank you so much for watching. ये कोई prank नहीं था, ये मेरे तरफ से था। नहीं दिल की बात नहीं है यार। अब मैं बताऊँ क्या हुआ था मेरे साथ, पैर में चोट कैसे लगी थी। वो जो याद है जब हम अशोक नगर पहुँच गए थे, ऐसे कर लेते हाँ अशोक नगर पहुँच गए थे, तो उसमें एकदम से मैंने वो करा था ना, वो जो काला कलर का नहीं होता जो शीशे में लगाते है, उसका वो निकला हुआ था, यहाँ से ऐसे घिस गया। मम्मी कसम, आंटी कसम, मम्मी का सब वो उसी कारण नहीं लगा था। बाकी तो सोच ही लिया था मैंने कि मैंने यही पर ही सोचा कि मैं यही पर ही प्रैंक करूं। मैं मेरे को पता है क्योंकि भाई पता है क्यों प्रैंक कर रही है, क्योंकि अभी हमें जो हमारा दोस्त नहीं मिला था वो आकाश ना, हमका उस पे गाड़ी में बैठा हुआ था, उसी ने कहा हाँ भाई प्रैंक करो मस्त वीडियो चलेगी। वैसे अकाउंट नहीं चल रहा था इसलिए। चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सो सम लव। सजना जी मैंनू छड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से नहीं।